देखो मॉर्फोलॉजी में मैंने फर्स्ट डे तुम्हें बहुत सारे ट्रिक्स दे दिए थे ना। तुम्हें करना क्या है, एनसीईआरटी में ना आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से स्टडी करना है। तुम्हें तो मालूम है कि सारे क्वेश्चन जो भी होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो तुम्हें बस इतना करना है कि जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ना, फ्लावर वाला पार्ट, बस उसको अच्छे से पढ़ लेना है। हमने सारे टॉपिक तो अच्छे से कवर किए लगभग लगभग, तो फ्लावर हमने अच्छे से किया। फिर आपको मैंने लास्ट क्लास में कैलिक्स का डिटेल मैंने करा दिया, फिर कोरोला के डिटेल हमने किए, एस्टिवेशन का मैंने डिटेल आपको बता दिया, और हमने लास्ट क्लास तक शायद स्टेमेन यानी एंड्रोशियम भी कंप्लीट कर लिया था, याद करो। तो आप ना बस कोशिश करो एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे से कर लो ना, बस इनफ है। बाकी ट्रिक्स तो मैं देते जाऊंगा, ट्रिक्स तो मैं देते जाऊंगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी में ही फ्लावर का जो सेकेंड पार्ट है, गाइनोशियम, प्लेसेंटेशन, सीड, ठीक है, फ्रूट, ये पार्ट करेंगे। यानी कि आज हम लोग फ्लावर का जो बचा हुआ पार्ट रह गया था उसे कंप्लीट करेंगे, यानी फ्लावर का सेकेंड पार्ट, ट्रिक्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मुझे बता दो, यहां तक तो कोई गड़बड़ तो नहीं है ना तुम लोग में? हम लोग देखो कहां से स्टार्ट किए थे, इस पेज में तो किसी को दिक्कत नहीं है, बोलो फटाफट। इस पेज में यस फ्लावर सर। वाले पार्ट में तो किसी को दिक्कत नहीं है, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ट्राइमेरस, सब कर लोगे अच्छे से, पूरा डिटेल से करवाया था। यस सर। इस पेज में कोई इशू, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, डन कर लोगे ना? सारा यस ट्रिक्स सर। बता दिया था, पीपीआर, पीच प्लम एंड रोज, जीसीआर, गुआवा, कुकम्बर, रेफ्लोरेट, सब कुछ करवा रखा है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर कैलिक्स भी कर लिया था, हरे रंग का होता है, फोटोसेंस करेगा। कोरोला कलरफुल पार्ट है। एस्टिवेशन याद कर लिया सभी ने? वेलवेट का बताया सर था, कैलवेट, वेलवेट, कैलवेट, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड का बताया था, चाइना रोज, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, कुछ ऐसा कॉटन बताया था, और इम्ब्रिकेट, कैसिया गुलमोहर, वेक्सिलरी, ठीक है, बताया था मटर वाली फैमिली। एंड्रोशियम तक याद है ना सभी को? स्टेमिनोड, स्टेराइल स्टेमेन, पेटल से जुड़ी या इपीपेटलस, और अगर टेपल से जुड़ा यानी पेरियन से जुड़ा, इपीफाइलस। मोनोडेल्फस एक गुच्छा, डाइडेल्फस दो गुच्छे, पॉलीडेल्फस ना दो से ज्यादा गुच्छे। मस्टर्ड में स्टेमिन का लेंथ अलग अलग। चलो क्या यहां से स्टार्ट कर दे, फटाफट बोलो, गाइनोशियम से स्टार्ट करना है ना, फटाफट बोलो। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक गाइनोशियम, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये क्लास 12th में पढ़ के आए हो। गाइनोशियम के यूनिट को आप क्या कहोगे, पिस्टिल, एक और नाम कार्पेल, ये सभी को मालूम है, पिस्टिलिया कार्पेल के नाम से जानेंगे। फिगर सबको आता है ना, ये वाला फिगर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, बताने की जरूरत नहीं है, सबको आता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, आता है सबको। अब कार्पेल का नंबर फ्लावर में कितने हैं? अगर फ्लावर में कार्पेल का नंबर 1 है तो इसे कहेंगे मोनोकार्पेलरी, डन। अगर कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा है तो इसे कहेंगे मल्टी कार्पेलरी, कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा, मल्टी कार्पेलरी। अगर 1 से ज्यादा है लेकिन सारे कार्पेल फ्यूज्ड है, मान लो एन नंबर है, कार्पेल का नंबर एन है, लेकिन सारे कार्पेल ना, अगर सारे कार्पेल फ्री हैं या सारे कार्पेल फ्यूज्ड है, अगर फ्यूज होगा बच्चा ब्रैकेट में लिखिएगा, कार्पेल 5 है और पांचों बच्चा फ्यूज्ड है तो क्या लिखोगे, जी कार्पेल 5, 5 को ऐसे लिखोगे फ्यूज्ड। तो अगर कार्पेल फ्यूज्ड है तो इसे हम कहेंगे सिनकार्पस, सिन का मतलब टुगेदर, कार्पस मतलब फ्यूज्ड है, कार्पेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस। अगर कार्पेल 5 है लेकिन फ्री है तो नाम देंगे बच्चा एपोकार्पस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, एपोकार्पस। ठीक है, तो सर एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पेल, एग्जाम्पल एनसीआरटी, लोटस रोज,
एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल है बच्चा, लोटस एंड रोज। क्लास ट्वेल्थ याद करो, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां नाम तो मिसेलिया, नाम था मिसेलिया, याद आया, पढ़ा है आपने, याद करो क्लास ट्वेल्थ में मिसेलिया नाम का फिगर एनसीईआरटी में मेंशन था, याद आया। सर सिनकार्पस बहुत सारे एग्जाम्पल है, सोलेनेसी फैमिली, लिलेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, याद करो। सोलेनेसी के अंदर कार्पेल का नंबर 2 फ्यूज्ड, लिलेसी कार्पेल का नंबर 3 फ्यूज्ड, ब्रासिकेसी के अंदर 2 बट फ्यूज्ड, सिनकार्पस। डन, बता रखा है तुम लोगों को। तो एनसीईआरटी में फैमिली थी फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी। फैबेसी में कार्पेल का नंबर, कार्पेल का नंबर 1, सोलेनेसी कार्पेल 2, लिलेसी कार्पेल का नंबर 3, ब्रासिकेसी कार्पेल का नंबर 2। तो पहला वाला हो गया बच्चा मोनोकार्पेलरी, एक कार्पेल है मोनोकार्पेलरी, और यहां पर कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा मल्टीकार्पेलरी या मल्टी या पॉलीकार्पेलरी। और जो भी बच्चा मल्टीकार्पेलरी है फ्यूज्ड है यानी सिनकार्पस, 2 कार्पेल बट फ्यूज, 3 कार्पेल बट फ्यूज, 2 कार्पेल बट फ्यूज, याद है ना, बोलो फटाफट, सबको याद है? यस सर। यहां तक सबको याद है, किसी को कोई परेशानी नहीं? तो एनसीईआरटी देख ले आपको बच्चा, एपोकार्पस सिनकार्पस मिल गए, एग्जाम्पल ढूंढो, एपोकार्पस के लोटस रोज मिला। When more than one carpel is present, they may be free, lotus or rose. Apocarpus, syncarpus का जब carpel are fused, mustard and tomato. तो tomato तो तुम्हारा Solanaceae family है और mustard तो बच्चा Brassicaceae family है। मैंने तो आपको सारे example याद करा दिए, मैंने Liliaceae भी याद करा दिया, मैंने आपको Brassicaceae भी याद करा दिया, मैंने तो आपको Solanaceae भी याद करा दिया, ठीक है? चलिए अब देखना ध्यान से, कार्पेल, कार्पेल का फिगर सबको याद, ध्यान से देखिए, ये है स्टिग्मा, सबको याद है, बहुत आसान है, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, सबको याद है ना? हाँ सर, ये वर्ड तो बहुत आसान सा है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। चलो, ओवरी बच्चा फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना, ओवरी सभी को मालूम है ना, फ्रूट में कन्वर्ट होने वाला है। ओवरी के अंदर में होंगे प्लेसेंटा। सर प्लेसेंटा क्या होता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिशन से भरा हुआ टिश्यू, और उसमें होंगे ओव्यूल। ये बच्चा व्हाइट वाला ओव्यूल है, ये व्हाइट वाला ओव्यूल है। सर ओव्यूल किससे जुड़ा रहता है? ओव्यूल जिस स्टॉक से जुड़ेगा, नीले वाला से बच्चा, ये है आपका फ्यूनिकल, ये नीला वाला जो है ना फ्यूनिकल है। तो अब मुझे बताइए, जो व्हाइट वाला ओव्यूल है वो ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड। ओव्यूल क्या बनाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड। तो सर एक ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं? अब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, एक ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं? एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे। अब कोई पूछ दे ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल है? सर यहां तो 3 है, क्या हर जगह 3 रहेगा? ध्यान से सुनो, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। आपको मालूम बच्चा ओवरी फ्रूट बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाएंगे, और ओव्यूल बच्चा सीड बनाएगा। ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड। तो किसी फ्रूट के अंदर में, किसी फ्रूट के अंदर में जितना सीड है, किसी फ्रूट के अंदर में जितना सीड है यानी उतना ओव्यूल था, फ्रूट के अंदर में जितना सीड है यानी उतना ओव्यूल था। इसका मतलब है पपाया, पपाया के अंदर में तुम देखोगे तो पपाया के अंदर में ढेर सारे सीड होते हैं, यानी पपाया के अंदर में बहुत सारे सीड होते हैं, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल होगा, बहुत सारे ओव्यूल होंगे। वाटरमेलन बहुत सारे सीड है तो ओव्यूल भी बहुत सारे होंगे। मैंगो बताओ, मैंगो के अंदर में कितने सीड होते? मैंगो खाया है? यस सर, एक। सर गुठली तोड़ा तो व्हाइट कलर का एक सीड मिला, यानी सर मैंगो तो फ्रूट है ना, तो मैंगो यानी फ्रूट यानी ओवरी था,
और मैंगो के अंदर में कितने सीड, वन सीड, यानी मैंगो के अंदर में कितने ओव्यूल, एक ओव्यूल। चलो एक और एग्जांपल बता रहा हूं बच्चा, तुमने ये देखा है पी मटर, मटर बोले हाँ सर मटर तो सबने खाया है, घर में भी होगा रखा हुआ। जैसे ही मटर खोला बच्चा तो एक सीड, दो सीड, तीन सीड, चार सीड, यानी मटर फ्रूट है, मटर फ्रूट है, ओवरी। और ये बच्चा ये सीड जो है ना ओव्यूल है, तो इस फ्रूट में एक से ज्यादा ओव्यूल थे इसलिए एक से ज्यादा सीड बने। आई बात समझ में, मटर के अंदर कभी पांच मिलते, कभी छह मिलते, कभी आठ मिलते, वो आपको मिल जाता है। तो यानी उस ओवरी में बच्चा एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे तभी तो एक से ज्यादा सीड बना। तो आसानी से तुम बता सकते हो कि एक ओवरी में कितने ओव्यूल है। सर डिपेंड करेगा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दस पचास भी हो सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं ना। अलग अलग ओवरी में अलग अलग ओव्यूल होंगे। डन। अब जो मैं बोलूंगा बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटेशन। आपसे एक क्वेश्चन नीट में पक्का आएगा प्लेसेंटेशन पे, प्लेसेंटेशन पे एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है आपको। सर कैसे होता क्या है सर प्लेसेंटेशन? चलो ये स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी के अंदर में ओव्यूल कहां पास लोकेटेड है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल का पोजीशन को प्लेसेंटेशन कहेंगे। डन। ओवरी के अंदर में ओव्यूल का पोजीशन, ओव्यूल कहां होगा, जहां पर प्लेसेंटा होगा, जहां पर प्लेसेंटा होगा वहीं पर तो ओव्यूल होगा ना। सर कैसे पता चलेगा? तो कोई फ्रूट के अंदर में, कोई फ्रूट के अंदर में आप लोग बच्चा सीड को पता करो, सीड कहां पास है, सीड का पोजीशन कहां पास है फ्रूट में, यही है बच्चा प्लेसेंटेशन, यही है प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। सर ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही तो पता कर लो भाई, टमाटर खाया है ना, टमाटर में ऐसा दिखता है ना, तो वापस सीड यहां पर नहीं होते, यहां पर सीड नहीं होता, इस तरह से सीड नहीं होते, तो यही तो पता करना है कहां पर सीड है, यही क्या कहलाएगा प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल को पता करना है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग प्लेसेंटेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में बच्चा प्लेसेंटेशन दे रखे कितने, ध्यान से सुनना, एक है बच्चा मार्जिनल, एक है मार्जिनल, ठीक है, एक है बच्चा पेराइटल, पेराइटल, ठीक है। सर पेराइटल कहां होगा, ट्रिक्स है, सारे सारे ट्रिक्स है, टेंशन मत लेना। तीसरा है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल देखते हैं फ्री सेंट्रल कहां होता है, एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी में एग्जाइल, एग्जाइल, और एक है बच्चा बेसल, बेस पे बेसल, ध्यान से सुनना। प्लेसेंटेशन एनसीईआरटी में पांच तरह का, पांच का फिगर बना है, अभी चेक करूंगा सबसे, अभी बता दूंगा एनसीईआरटी में, आपको बच्चा खुद से पता करना है। चलो यहां देखो मार्जिनल समझो, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, मटर किस फैमिली में, फैबेसी, रट्टा हो गया बच्चा, मार्जिनल किस में, मटर वाली फैमिली में, फैबेसी में, याद हो गया। चलो एक का तो ट्रिक बन गया, ठीक है। ये देखो ये मटर है, ये मटर का, मटर देखा ना घर पे, तो सर कहां पर सीड है, देखो मार्जिन पे बच्चा प्लेसेंटा है, मार्जिन पे कौन है, प्लेसेंटा, और जहां होगा प्लेसेंटा वहीं होंगे सीड, तो क्या सीड बच्चा मार्जिन पे नहीं दिख रहे हैं, सीड मार्जिन पे नहीं दिख रहे, ओवरी के मार्जिन पे है, तो नाम पड़ा मार्जिनल। डन। कहां पर सीड है, तो सर ओवरी के मार्जिन पे है, तो नाम पड़ गया मार्जिनल। डन। सर पेराइटल बताओ, चलिए ये बच्चा ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी को ऐसे कट मारा, ट्रांसवर्स कट मार दिया, ओवरी के पेरीफेरी पे यानी यहां पास, ओवरी के पेरीफेरी पे प्लेसेंटा है, ओवरी के पेरीफेरी पे प्लेसेंटा है,
और जहां प्लेसेंटा होगा वहीं पास होंगे ओव्यूल जो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में। तो बताइए कहां पास है ओव्यूल? सर पेरीफेरी पे, बाहर बाहर है, रिंग के बाहर बाहर है। तो नाम पड़ा पेरीफेरी पे तो पेराइटल, पेरीफेरी पे है तो पेराइटल। अब मुझे बताओ इसके अंदर बच्चा कितने चैम्बर हैं? तुम्हें जो मैंने फिगर बनाया है पेराइटल का, कितने उसमें चैम्बर? चैम्बर का मतलब लोक्यूल, खाली जगह, चैम्बर, लोक्यूल। सर एक है, एक खाली जगह है, तो सर हो गया यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर ध्यान से सुनना, लेकिन बाद में एक फॉल्स फॉल्स सेप्टम बन जाएगा, बीच में एक दीवार बन जाएगी। तो कितने लोक्यूल हो गए? सर एक लोक्यूल यहां हो गया, एक लोक्यूल यहां हो गए, दो चैम्बर हो गए। तो बाद में कैसा हो जाएगा? बाइलोक्यूलर। बाद में कैसा हो गया? बाइलोक्यूलर। तो सर फॉल सेप्टम का नाम, इसका नाम है बच्चा रिप्लम। रिप्लम ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। सर एग्जांपल बता दो पेराइटल का। तो चलिए बता देता हूं, मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली बच्चा ब्रासिकेसी, एनसीईआरटी में दिया है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। आर्जीमोन मस्टर्ड फैमिली में पाया जाएगा पेराइटल। डन खत्म। सर बायलोक्यूलर कब होगा ये? बीच में फॉल सेप्टम, इनिशियली स्टार्टिंग में एक लोक्यूल है, बाद में एक फॉल सेप्टम बनेगा। चलो मैं पढ़ देता हूं एनसीईआरटी का लाइन, चलिए पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनना। ब्लैक पॉइंट में पेराइटल दिखा, इन पेराइटल प्लेसेंटेशन ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, अंदर के वॉल पे बना, और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, ओवरी इज वन चैम्बर, कितना चैम्बर? एक, बट इट बिकम्स टू चैम्बर, बाद में दो चैम्बर हो जाएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। नाम नहीं दिया है, मैंने बोला रिप्लम। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। डन, बोलो फटाफट याद हो गए? यस सर। चलो सर फ्री सेंट्रल, चलो ये ओवरी, ओवरी के सेंटर पे, ओवरी के सेंटर पे यहां है प्लेसेंटा। ओवरी के सेंटर पे प्लेसेंटा, कोई बच्चा कोई भी यहां, हाँ ओवरी के सेंटर पे प्लेसेंटा हो गया, और जहां प्लेसेंटा वही ओव्यूल यानी सीड। अब बताओ सेंटर पे फ्री है ना कोई? यहां पास सेंटर पे फ्री है, कोई सेप्टम एप्टम तो है नहीं, तो सेंटर पे अगर फ्री है तो नाम पड़ा फ्री सेंट्रल। सर एग्जांपल पीडीएफ, पीडीएफ सर पीडीएफ मतलब, चलो एफ का मतलब फ्री सेंट्रल, एफ का मतलब फ्री सेंट्रल, पी का मतलब प्राइम रोज, और डी का मतलब डाई एंथस। एनसीईआरटी में मैच करेंगे प्राइम रोज, प्राइम रोज और डी फोर डाई एंथस, डी डाई एंथस। डन, चलिए एनसीईआरटी में चेक करते हैं क्या आपको मिला बच्चा लास्ट लाइन, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट लाइन, डाई एंथस एंड प्राइम रोज प्लेसेंटा इज फ्री सेंट्रल। डन, याद हो जाएगा? तो फ्री सेंट्रल में पी डी एफ, चलिए भाई हो गया डन। सर एग्जाइल समझ में नहीं आया? चलो ये तो आपको टमाटर में दिखेगा, टमाटर अपने घर पे आज कट करना, टमाटर फ्रूट, उसके अंदर में आपको मिलेगा ऐसा टमाटर में नींबू में, और यहां पास मिलेंगे क्या? यहां पास आपको मिलेगा प्लेसेंटा एक्सिस पे, दो सेप्टम के एक्सिस पे मिल गए ना प्लेसेंटा। जहां होगा प्लेसेंटा वहां होंगे सीड, जहां होंगे प्लेसेंटा वहां होंगे सीड। तो एक्सिस पे हो गया, दो सेप्टम के एक्सिस पे मिल गए, एंगल पे मिल गया, तो नाम हुआ एक्साइल। क्या हो गया बच्चा? एक्साइल, नींबू में, टमाटर में मिलता है। नींबू में ऐसा होता है क्या? टमाटर में होते हैं क्या? सेप्टम बना है उसके एक्सिस पे हो गया। चलो एग्जाम्पल बता दूं, सोलेनेसी फैमिली, सारे सोलेनेसी फैमिली में मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा लिलिएसी फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में मिल जाएंगे। तो आपको तो ढेर सारे एग्जाम्पल याद हो गए सोलेनेसी और लिलिएसी।
सर बेसल बता दो लास्ट खत्म। चलिए ये बच्चा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा, ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ओव्यूल, तो बेस ऑफ ओवरी पे मिला तो क्या नाम देंगे बेसल, बेस पे मिला तो बेसल, एक्सेस में मिला एक्साइल, सेंटर में फ्री है तो फ्री सेंट्रल, पेरिफेरी पे है तो पेराइटल, मार्जिन पे मार्जिनल। सर बेसल का एग्जांपल, चलो ट्रिक दे रहा हूं। एमबीबीएस, तुम बच्चा पढ़ाई क्यों कर रहे हो एमबीबीएस करने के लिए, तुम्हारा ड्रीम क्या है एमबीबीएस करना ना, तो ध्यान से सुनना। एम फॉर बच्चा मैरीगोल्ड, एम फॉर मैरीगोल्ड। बी फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, बॉटनी, बॉटनी पढ़ रहे हो, बॉटनी में आप बेसल का ट्रिक सीख रहे हो, बॉटनी में किसका ट्रिक सीख रहे हो बेसल का। और एस फॉर सनफ्लावर, एस फॉर सनफ्लावर, एम फॉर मैरीगोल्ड। एनसीईआरटी में दो ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दो ही एग्जाम्पल है, फटाफट ढूंढ लो। इन बेसल प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, बेस ऑफ ओवरी पे प्लेसेंटा है और उसी से जुड़ा हुआ ओव्यूल है मैरीगोल्ड सनफ्लावर। एमबीबीएस डन, क्या सारे याद हो गए, फटाफट फिगर देखे बताना। चलो पहला फिगर बताओ किसका है, चलो मैसेज करो फर्स्ट फिगर किसका बना हुआ है, मैसेज करो फटाफट, फर्स्ट फिगर किसका बना है, कौन सा प्लेसेंटेशन है फर्स्ट वाला, मार्जिनल, मार्जिनल का एग्जांपल मटर, मार्जिनल का एग्जांपल मटर। चलो दूसरा बताओ, नींबू टमाटर बताया था, नींबू टमाटर बताया था, एक्सिस पे बताया था, एक्सिस पे तो एक्साइल डन। सर सारे सोलेनेसी फैमिली, लिलेसी फैमिली। चलो थर्ड बताओ, सी नंबर सोच करके, पेरिफेरी पे, पेरिफेरी पे है, बाहर बाहर है, पेरिफेरी पे बोलो पेराइटल, पेराइटल मस्टर्ड वाला एग्जांपल, मस्टर्ड वाली फैमिली। चलो डी नंबर बताओ, बेस ये कैसा है, सेंटर में फ्री है, सेंटर में फ्री है बोलो फ्री सेंट्रल, सेंटर में फ्री है तो फ्री सेंट्रल। चलो सबसे लास्ट बताओ, सबसे लास्ट बताओ, सर बेस पे, बेस पे तो बेसल, तो क्या बच्चा सारे याद हो गए, देख लिया, मार्जिनल एक्साइल पेराइटल फ्री सेंट्रल बेसल डन, याद हो जाएंगे फटाफट बोलो, यस नो, यस नो फटाफट बोलो। हाँ बोल रहे हो, पेराइटल में अपने रेप्लियम क्या बताया था, रेप्लम ये लिखा हुआ है बच्चा, ये है रेप्लम, ये है रेप्लम, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल, पेराइटल मस्टर्ड फैमिली, फ्री सेंट्रल पीडीएफ प्राइमरोज डाइएंथस फ्री सेंट्रल, एक्सिस पे होगा तो एक्साइल, एक्सिस पे है तो एक्साइल और बेस पे है तो बेसल, बेस पे है तो बेसल डन। सर रेप्लम इसका एग्जाम्पल है, रेप्लम उस दीवार का नाम है जिसे वो दो पार्टीशन में टूट गया, तुम्हारे घर में जिस कमरे में हो उसमें एक दीवार खड़ा कर दूं तो घर कितने पार्ट में हो जाएगा, तुम्हारा कमरे में एक दीवार खड़ा कर दूं तो कमरे दो पार्ट में टूट जाएगा, हाँ सर, yes, तो उस पार्टीशन का नाम रिप्लम है। डन, बोलो किसे किसे याद हो गया, यस नो लिखो। डन सर, बेसल वाले में सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, किसमें किसमें, बेसल में सर ने बोले एक लिखा है एक ओव्यूल, ठीक है ना, चलो डन। चलो अब आगे चलिए, सर एक बार लोक्यूल भी बता दो प्लीज, लोक्यूल मतलब चैम्बर, इधर देखो भाई, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और तुमने यहां से मारा कट, ऐसे कट कर दिया, कट कर दिया तो कट करने के बाद में ऐसे बन गए, टमाटर काट करके देखना, टमाटर काट करके देखना जितना चैम्बर दिखेगा, एक चैम्बर दो चैम्बर तीन चैम्बर तो तीन लोक्यूल, भिंडी काट करके देखना, भिंडी है घर पे, भिंडी कभी काटा है तो सर उसमें तो बहुत सारे दिखते हैं, भिंडी में बहुत सारे दिखते हैं,
तो उतने चैम्बर, जितना चैम्बर खाली जगह उतना लुक यू। डन? यस सर। चलो हो जाएंगे, आगे चले। यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं फ्रूट, ध्यान से सुनना। फ्रूट फिर पढ़ेंगे सीड। एनसीईआरटी में ऐसे ही सीक्वेंस है। एनसीईआरटी में देखो अगला टॉपिक है बच्चा फ्रूट, आसान है, उसके बाद पढ़ेंगे सीड। चलो फ्रूट क्या होता है ध्यान से सुनना, आसान है क्योंकि ऑलरेडी तुमने ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो, ऑलरेडी तुमने ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो, टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी। डन। ओवरी बच्चा पकने के बाद, राइपेंड ओवरी, ओवरी बच्चा पकने के बाद, राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी को ही आप कहते हो फ्रूट। डन। व्हाट इज द फ्रूट? फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी पक गया, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। और सर इसके अंदर जो ओव्यूल था, जो सर ओव्यूल थे रेड वाले कहां गए? तो ओव्यूल बच्चा कन्वर्ट हो गया सीड में। ओव्यूल किसमें? सीड में। आ गई बात समझ में? ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया? सीड में। अब ध्यान से सुनना, अगर फ्रूट बनाने में ओनली ओवरी पार्टिसिपेट किया, अगर फ्रूट बनाने में केवल ओवरी पार्टिसिपेट करेगा तो उसे कहेंगे ट्रू फ्रूट। अगर फ्रूट बनाने में केवल और केवल ओवरी पार्टिसिपेट करेगा तो उसे कहेंगे ट्रू फ्रूट। डन। जैसे मैंगो, अगर ओवरी के अलावा और कोई पार्ट भी पार्टिसिपेट करे, जैसे बच्चा थैलेमस कर गया, ओवरी के अलावा कोई भी पार्ट पार्टिसिपेट कर जाए, कैलिक्स, कोरोला, कोई भी, ओवरी प्लस एनी अदर पार्ट इन्वॉल्व हो गया फ्रूट बनाने में तो उसे कहिएगा फॉल्स फ्रूट, झूठा फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल पियर, ठीक है, एप्पल हो गया, पियर हो गया। डन। अगर बिना फर्टिलाइजेशन का, मान लो बच्चा पोलन ग्रेन आया नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन का ओवरी अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, पोलन ग्रेन आया नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, और ओवरी किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में। तो ऐसे फ्रूट को कहोगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनो कार्पिक फ्रूट, क्या याद हो गए? बोलो फटाफट सभी लोग। डन। याद हो गए तीन तरह के फ्रूट? जैसे बच्चा एग्जाम्पल बनाना, एग्जाम्पल इज अ बनाना, आपने पढ़ा है ट्वेल्थ में। बोलो याद हो गए फटाफट तीन तरह के फ्रूट? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और केवल ओवरी पार्टिसिपेट किया, ट्रू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवरी के अलावा कोई और पार्टिसिपेट किया, ओवरी प्लस एनी अदर पार्ट, फॉल्स फ्रूट। बिना फर्टिलाइजेशन का ही फ्रूट बन गया, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो पार्थेनो कार्पिक फ्रूट, एग्जाम्पल इज अ बनाना। चलो डन, बोलो फटाफट। yes, किसे किसे याद हो गया? बोलो, बहुत आसान है ये तो, कर लो। yes, चलो मैसेज yes, करो, मैसेज करो, मुझे भरोसा नहीं होता। चलो मैसेज करो, यस नो, समझ में आया नहीं आया। चलिए डन। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, जो बोलूंगा अब ध्यान से सुनना। ये स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल और ये बच्चा ओवरी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तो ये बच्चा स्टिग्मा स्टाइल खत्म हो जाएंगे, केवल कौन बचा? ओवरी। और अंदर में क्या बचे बच्चा? सीड। अंदर में क्या बच गए? सीड। यही है बच्चा फ्रूट, ध्यान सुनना, पूरा ओवरी फ्रूट, अंदर में सीड। और जो ओवरी का दीवार था बच्चा, ये ओवरी का दीवार था ना, ओवरी वॉल, ओवरी का जो दीवार था फर्टिलाइजेशन के बाद में बन गया बच्चा फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल, इसी फ्रूट वॉल को आप कहते हो पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को क्या कहेंगे? पेरिकार्प। डन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का जो दीवार है ना, उसे फ्रूट वॉल कहेंगे या पेरिकार्प कहेंगे।
तो हम खाते क्या है सर, फ्रूट वॉल प्लस सीड, फ्रूट वॉल प्लस सीड, यही हो गया फ्रूट, यही चीज कहोगे ना। अब ध्यान से सुनना, अगर बच्चा फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल तीन पार्ट में थ्री लेयर में टूट गया, अगर बच्चा फ्रूट वॉल थ्री लेयर में टूट गया, थ्री लेयर में टूट गया, तो ऐसे फ्रूट को कहेंगे फ्लेशी फ्रूट, ऐसे फ्रूट को कहेंगे बच्चा फ्लेशी फ्रूट, थ्री डिस्टिंक्ट लेयर में टूट गया तो नाम फ्लेशी फ्रूट, एग्जाम्पल मैंगो, अभी मैंगो पे डिटेल से आ रहे हैं, टेंशन मत लो। और अगर वो फ्रूट वॉल तीन लेयर में नहीं टूटा, सिंगल लेयर ही रहा, एक ही लेयर रहा बच्चा, एक ही लेयर रहा, सिंगल लेयर ही रहा, वो टूट नहीं पाया, तो ऐसे फ्रूट को कहेंगे ड्राई फ्रूट, ऐसे फ्रूट को कहेंगे ड्राई फ्रूट। सर ड्राई फ्रूट में कौन आएगा, काजू किशमिश आएगा क्या? नहीं, ड्राई फ्रूट का मतलब काजू किशमिश नहीं होता, ड्राई फ्रूट का मतलब है राइस, वो भी बच्चा फ्रूट है, वीट वो भी एक फ्रूट है, मेज वो भी एक फ्रूट है, ये सब बच्चे फ्रूट है। मेज का एक जो दाना देखते हो ना वो फ्रूट है, अभी फिगर बनाना है ना उसका, राइस का एक दाना बच्चा फ्रूट है, वीट का दाना फ्रूट है। तो सर उसमें हुआ क्या, उसके अंदर में जो ओवरी का दीवार था फ्रूट वॉल, वो सिंगल लेयर रह गया अकेला, और जिसमें तीन लेयर में टूट गया तो फ्लेशी फ्रूट। सर तीन लेयर कौन कौन से, तीन लेयर का नाम वाम भी है क्या? तीन लेयर में बच्चा सबसे जो आउटर रहेगा, एक मिडिल रहेगा, एक इनर रहेगा। तीन लेयर कौन कौन से, ध्यान से सुनना, आउटर का मतलब बाहर का मतलब इपिकार, 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 जैसे आम, आम में जो छिलका होता है ना, आम में जो छिलका है फेंक देते हो इपिकार, और जो खाते हो मजे लेकर के वो बीच वाला पार्ट मीजोकार, येलो वाला पार्ट मीजोकार, हो गए दो पार्ट। और जो गुठली है वो इंडोकार पे, गुठली है वो क्या है इंडोकार, आई बात समझ में? तो यहां पास तीन लेयर में टूट गया मैंगो में, तो मैंगो हो गया फ्लेशी फ्रूट ना। तो मैंगो में सबसे पहले आपने जो आउटर पार्ट, बोलो मैंगो है तो मैंगो का आउटर पार्ट कौन हो गया, बोलो फटाफट। तो मैंगो का आउटर पार्ट हो गया इपिकार्प, छिलका, अंदर में खाने वाला पार्ट मीजोकार्प, और अंदर में गुठली इंडोकार्प। उसको तोड़ोगे तो बेटा सीड मिलेगा। तो देख लीजिए आपके एनसीईआरटी में फिगर क्लियर है, डन। अब बताओ मैंगो में क्या खाना पसंद करोगे, इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प? मैसेज करो मीजोकार्प, मीजोकार्प। मैंगो में आम का छिलका इपिकार्प, खाने वाला पार्ट मीजोकार्प, और गुठली इंडोकार्प, गुठली के अंदर में सीड, खाने वाला पार्ट मीजोकार्प। सर एनसीईआरटी में ड्रूप क्या लिखा है, सर एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है सर, द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, ये ड्रूप समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनो, ड्रूप किसे कहेंगे समझना, ऐसा फ्रूट जिसमें बच्चा इंडोकार्प हार्ड हो, ऐसा फ्रूट जिसमें इंडोकार्प जो है ना हार्ड स्टोनी हो, हार्ड हो स्टोनी हो, उसी को कहते हैं ड्रूप फ्रूट। सर स्टोनी हो, हार्ड स्टोनी हो तो उसे कहेंगे ड्रूप फ्रूट। मतलब जैसे बच्चा बेर खाया, तुम लोगों ने बेर, बोले हाँ सर खाए, बाहर में ग्रीन वाला होता है इपिकार्प, फिर अंदर में व्हाइट वाला पार्ट होता है मीजोकार्प, और अंदर में बच्चा बहुत हार्ड सा होता है ना इंडोकार्प, हो गया ना हार्ड, तो ये कैसा एग्जांपल हुआ, ड्रूप फ्रूट, जिसमें इंडोकार्प हार्ड हो तो ड्रूप फ्रूट। आम इंडोकार्प हार्ड है तो ड्रूप फ्रूट। कोकोनट, कोकोनट उसमें भी इंडोकार्प हार्ड है तो वो भी ड्रूप फ्रूट। सर कोकोनट में क्या खाएंगे, ध्यान से सुनना, कोकोनट में क्या खाओगे ध्यान से सुनो, जो कोकोनट आप खरीदते हो बच्चा मंदिर में चढ़ाने के लिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसके अंदर में ये ब्राउन वाला पार्ट होता है, ये ब्राउन वाला पार्ट होता है, सबसे पहले ब्राउन वाला पार्ट होता है, ये हो गया बच्चा इपिकार, इपिकार। इसके अंदर में रेसे वाले स्ट्रक्चर होते, रेसे होते ना,
जिससे बच्चा रस्सी वस्सी भी बनाते हैं, फाइबर वाला पार्ट, रेसेनुमा जो स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया बच्चा मीजोकार्प, ये हो गया मीजोकार्प। आप जब कोकोनट खरीदते हो तो दुकानदार इसे हटा के देता है, सबसे ब्राउन ईपी, उसके अंदर मीजो, और उसके अंदर में ब्राउन वाला पार्ट जो हार्ड होता है, जिसको फोड़ते हो तुम, तोड़ते हो, तो ये हार्ड वाला हो गया इंडोकार्प, हार्ड वाला हो गया इंडोकार्प। बोले हाँ, अब इसके अंदर क्या होगा, सीड, ना ईपी खाओगे, ना मीजो खाओगे, ना इंडो खाओगे, तो सर खाएंगे क्या, अंदर में सीड है, सीड में ये वाइट वाला पार्ट है जिसको नाम दोगे इंडोस्पर्म, इसी को तो खाओगे, तो तुम अंदर में जो वाइट वाला पार्ट है यही इंडोस्पर्म है, यही इंडोस्पर्म है, और पानी जो है ना वो भी इंडोस्पर्म है, तो तुम या तो पानी पी लोते हो या इंडोस्पर्म सॉलिड वाला खा लेते हो, तो ये हो गया लिक्विड इंडोस्पर्म, हो गया सॉलिड इंडोस्पर्म, और अंदर में बच्चा यहां पर होता है इम्ब्रियो, ज्यादा व्हाइट कलर का निकलता है, जो जुटा रहता है, तीन आंख के तरह स्ट्रक्चर नहीं तो उससे जुटा रहता है, ये हो गया इम्ब्रियो, इम्ब्रियो। तो अब मुझे बताओ कोकोनट में क्या खाते हो, फटाफट बोलो, समझ में आ गई बात सबको, समझ में आ गई, नारियल, ब्राउन वाला इपिकार, रेसे वाला मीजोकार, उसके अंदर हार्ड वाला इंडोकार, उसको तोड़ा वाइट वाला इंडोस्पर्म, पानी भी इंडोस्पर्म है, अंदर में बच्चे इब्रियो है, वही तो निकल करके नया प्लांट बनाएगा, आगे बात समझ में, बोलो किसे किसे क्लियर हो गया, देख लो एनसीईआरटी का फिगर, डन। एक मिनट कहां चला गया भाई, ठीक है ठीक है, यहां तक याद हो जाएंगे ना सभी को, बोलो हो जाएगा सभी का, यस यस सर। अब हम लोगों को करना है सीड, और हम लोगों को करना है एग्जांपल ऑफ फैमिलीज ना, तो चलो सीड करा दूं या एग्जांपल तुम्हें याद करा दूं, सोलेनेसी फैबेसी लिलेसी का, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, सीड तो आसान ही है, चलो सीड ही बता दूं या एग्जांपल से याद करा दूं, बोलो फटाफट सर, एक बार सर कोकोनट की दो बाहर वाली लेयर रिपीट कर दो, ब्राउन वाला पार्ट इपिकार, ब्राउन वाला पार्ट इपिकार ना, अंदर में जिसमें रेसे होते हैं, रस्सी जिससे बनती है मीजोकार्प, हार्ड वाला पार्ट जो तुम्हारे सर के तरह होता है हार्ड, यार तोड़ दोगे तुम्हारा सर भी फट जाएगा, उसके मारे इंडोकार्प, उसके अंदर में होगा वाइट वाला पार्ट जिसे तुम खाते हो इंडोस्पर्म, पानी वो भी इंडोस्पर्म है, और उसके अंदर एक और व्हाइट वाला होता है बहुत सॉफ्ट सा, खाया किसी ने, अंदर में बहुत सॉफ्ट सा होता है, बहुत सारे लोगों को वही पसंद दिखाने के लिए, हाँ सही जरूर खाया होगा, वही बच्चा इम्ब्रियो है जो ग्रो करके नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब देखो, अब तुम्हें मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल याद करा देता हूं सोलेनेसी के, फिर देखेंगे सीड वाला पार्ट करेंगे, सोलेनेसी फैबेसी और लिलेसी के, ध्यान से सुनना, सोलेनेसी के फटाफट सीखना, दो मिनट सबको ही बच्चा, फाइव फाइव मिनट में तीन एग्जाम्पल सीख दे। देखो मान लो बच्चा एक फैमिली है सोलेनेसी, और उसके अंदर बच्चा एक ट्वेल्थ क्लास की बच्ची है जिसे तुम्हारा फ्रेंडशिप है, ट्वेल्थ क्लास की एक बच्ची है जिसे तुम्हारा बच्चा फ्रेंडशिप है, ठीक है, तो फैमिली का नाम सोलेनेसी, ठीक है, और उसके क्लास, उसके घर पे बच्चे ट्वेल्थ क्लास की बच्ची है, उसे आपकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, तो उसने बच्चा आपको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया है, किसके लिए, डिनर के लिए, रात के खाने के लिए, ठीक है, अब गए बच्चे उसके घर पे, तो उसने बच्चा अपने घर पे खुद से बच्चा सब्जी बनाई है, किसकी, पोटैटो आलू, टोमेटो टमाटर, ब्रिंजल आलू बैगन टमाटर, इस तीन चीज की सब्जी बनाई है खुद से बच्चा, और आप पहली बार आ रहे हो उसके घर पे, तो उसने बच्चा आपको इंप्रेस करने के लिए उसमें ढेर सारे चिली डाल दिए, मिर्च डाल दिए, तो क्या बच्चा ये चार एग्जांपल याद हो गए, आलू पोटैटो टोमेटो टमाटर ब्रिंजल बैगन और चिली यानी मिर्च,
क्या बच्चा चार एग्जाम्पल वेजिटेबल वाले याद हो गए? बोले हाँ। अब ढेर सारे तुमने मिर्च खा ली, इतना मिर्च खाया बच्चा कि तुम्हारा पेट गया फूल, पेट गया फूल। तो एक एग्जाम्पल याद रखिएगा पिटूनिया, पेट फूल गया तो एक एग्जाम्पल याद रखिए पिटूनिया। ये क्या होता है सर? सजाने के लिए होता है, इसलिए कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। ये सजाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए नाम पड़ा ऑर्नामेंटल प्लांट, सजाने वाले प्लांट। हो गए डन। अब क्या करना है भाई, पेट फूल गया तो आपकी फ्रेंड ने बोला कि चलो हम लोग घर के छत पे चलते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेंगे तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो वहां बच्चा छत पे ऑलरेडी दो लफंगे लड़के बच्चा सिगरेट स्मोक कर रहे थे। सिगरेट बहुत महकता है ना सिगरेट, इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा फ्यूमीगेटरी, फ्यूमीगेटरी महकने वाला, फ्यूमीगेटरी हो गया महकने वाला प्लांट सिगरेट। डन। अब सिगरेट के महक से बच्चा आपका पेट और खराब हो गया, तो उसकी मम्मी ने, आपकी जो फ्रेंड है बच्चा, उसकी मम्मी ने दो मेडिसिन ला के दिए प्लांट से निकाल के दिए। एक का नाम था अश्वगंधा, एक का नाम था बेलाडोना। तो दो मेडिसिनल प्लांट याद हो गया, अश्वगंधा बेलाडोना मेडिसिनल प्लांट, महकने वाला प्लांट टोबैको यानी सिगरेट, ठीक है, पिटूनिया सजाने वाले प्लांट, और पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल और चिली वेजिटेबल के। क्या डन हो गया? क्या आपको ये सारे एग्जाम्पल फैबेसी के याद हो गए? देख लीजिए एनसीईआरटी में ये सारे मेंशन है, फटाफट पढ़ लो सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल। और बताओ यस नो, किसी किसी याद हो गया? फटाफट बोलो, आलू, ठीक है, टमाटर, बैगन, मिर्च, चार याद हो गए। डन। ढेर सारा मिर्च, पेट फूल गया, पिटूनिया। डन। लफंगे लड़के सिगरेट पी रहे थे, टोबैको फ्यूमिगेटरी वाला। डन। अब उसकी मम्मी ने दो मेडिसिनल प्लांट दिए, अश्वगंधा बेलाडोना। डन। चलो किसी किसी याद होगी? दादोगे? Yes, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे? चलो अब लिलेसी का एग्जाम्पल निपटा देते हैं। ये है लिलेसी साहब, लिलेसी। चलिए लिलेसी के एग्जाम्पल कौन कौन है सर, देखते हैं, ध्यान से सुनिए। एक लड़की है बच्चा लिली नाम की, लिली, लिली नाम की लड़की है, फैमिली का नाम लिलेसी। लिली नाम की लड़की है, लिली एसी, ठीक है। वो बच्चा रिसर्च करती है, बोले ठीक है। अब वो सुबह में उठती है बच्चा और अपने घर में गैस चूल्हे पे जाती है। गैस चूल्हा हमारे घर में एलपीजी का आता है, लिली के घर में एलटीजी का आता है। हमारे घर में एलपीजी का आता है ना, हमारे घर में एलपीजी गैस चूल्हा, उसके घर में आता है बच्चा एलटीजी का गैस सिलेंडर आता है। तो एल फोर हो गया लिली, टी फोर ट्यूलिप, और जी फोर ग्लोरियोसा। ये तीन प्लांट बच्चा ऑर्नामेंटल हैं, लिली ट्यूलिप ग्लोरियोसा। डन। तीन याद हो गए? बोल ठीक। अब गैस चूल्हे पे उसने बनाई सब्जी, सब्जी में बनाया बच्चा एस्पैरेगस। किसकी सब्जी बनाई? एस्पैरेगस, अभी मैच करेंगे एनसीईआरटी में। और उसमें डाला बच्चा प्याज, तो प्याज को ओनियन लिखो ना सर, ए क्यों लिखते हो? क्योंकि एनसीईआरटी ने ए लिखा है, ओनियन ए से समझ में नहीं आया। एलियम सीपा, प्याज का साइंटिफिक नेम एलियम सीपा। एनसीईआरटी ने बच्चा फिगर देखिए, एलियम सीपा ओनियन लिखा है, एनसीईआरटी में मिला एलियम सीपा, ब्रैकेट में ओनियन मिल गए। और ऊपर में देखिए बच्चा एस्पैरेगस मिला। हाँ सर, वेजिटेबल एस्पैरेगस है, और प्याज भी तो एक तरह का सब्जी है यार।
अब बताओ, ट्यूलिप मिला, ग्लोरियोसा मिले, हाँ सर, एस्पेरेगस मिला, हाँ सर, याद हो गए, प्या, चलो, तो ये हो गए वेजिटेबल वाले दो याद। चलिए अब मस्त बच्चा सब्जी खाई, हो गया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद में बच्चा उसे अपने चेहरे को साफ करना है, तो उसके लिए चाहिए फेस वॉश। चेहरे को साफ करने के लिए क्या चाहिए? फेस वॉश। फेस वॉश कहां से लाया? एलोवेरा प्लांट से। क्या आपके घर में एलोवेरा प्लांट है? क्या आपके घर में कोई मेडिसिनल प्लांट एलोवेरा है? आपकी मम्मी ने जरूर लगाया होगा, आपके आसपास में तो होगा ही होगा, आपने देखा भी होगा एलोवेरा प्लांट, मेडिसिनल अच्छा यूज करते हैं। चलिए भाई, फेस वॉश इसका यूज कर लिया। अब उसको जाना है बच्चा लैब। सर लैब क्यों जाएगी? क्योंकि रिसर्च करना है। सर क्या चीज का रिसर्च करना है? आपके सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना? 46। आपके सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46। अब उसे क्या करना है? सेल में बच्चा एक पॉइजन डालना है। सेल में क्या डालना है? पॉइजन। इसका नाम पूरा है बच्चा माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन बोले मतलब, यानी कि पॉइजन क्या करेगा? सेल को बच्चा डिवाइड नहीं होने देगा, सेल को डिवाइड नहीं होने देगा, तभी तो नाम है पॉइजन। बट क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, देखिए 46 से कितने हो गए? 92। बट बच्चा सेल का डिवीजन नहीं हुआ। तो जब सेल चैप्टर पढ़ोगे, सेल डिवीजन चैप्टर, तो वहां एक केमिकल आपको बताया जाएगा, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन, कोल्चिसिन एक क्या है? केमिकल है, एल्कालॉइड। एनसीईआरटी कहेगा बच्चा एल्कालॉइड है, जो सेल को डिवाइड नहीं होने देता बट क्रोमोसोम को डबल करा देता है। सर कहां से निकाला जाता है ये केमिकल? एक प्लांट है कोल्चिकम, कोल्चिकम ऑटोमनेल, वहीं से निकाला जाता है। लिलेसी का ही एग्जांपल है, लिलेसी फैमिली का ही एग्जांपल है, कोल्चिकम ऑटोमनेल। तो आप देख लीजिए क्या सारा चीज याद होगी। लिली एलटीजी, ट्यूलिप ग्लोरियोसा डन, सब्जी एलियम सीपा, एस्पेरेगस डन, एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट जिसे फेस वॉश करना है, लैब में पॉइजन डालना है रिसर्च करने के लिए जिससे सेल का डिवीजन रुक जाए, नाम है कोल्चिसिन केमिकल का, प्लांट का नाम कोल्चिकम ऑटोमनेल। बताओ आप किसी किसी याद हो? बोलो फटाफट, डन, याद हो जाएंगे सभी को, हो जाएंगे, चलो yes, सभी को याद हो गया। अब बचा कौन भाई? फैबेसी। फैबेसी डिफिकल्ट है सर, एक बार वो स्लाइड दिखा दो। अच्छा स्लाइड तो तुम्हें अभी तुरंत मिल जाएगा, स्लाइड तो देख लो, स्लाइड देख लो। अब बचा बच्चा फैबेसी, दो मिनट लगेंगे, सीख लो फैबेसी को, तो लगभग लगभग सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे, सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। चलो कर ले फैबेसी। यस सर। फैबेसी, चलिए, एक लड़की थी बच्चा फैबेसी फैमिली में। चलो यहाँ हम लोग पहले फैबेसी खोल लेते हैं। फैबेसी तो ये है फैबेसी के एग्जांपल, ये बच्चा बहुत सारे एग्जांपल है फैबेसी के, देखिए कैसे याद होगा। तो एक लड़की है फैबेसी फैमिली की, ठीक है, फैबेसी फैमिली में एक लड़की है भाई। वो बच्चा सुबह में झूले से झूल रही है, किसे? झूला। और झूले की जो रस्सी है ना, एक फाइबर से बनाया है उसने खुद से, एक फाइबर से बनाया है बच्चा। फाइबर कहां से लाया सर? फाइबर, एक प्लांट होता है सन हेम्प, एक प्लांट होता है सन हेम्प, उसी प्लांट से फाइबर निकाला और उसी से उसने रस्सी बनाई झूलने के लिए। झूला रस्सी से बना होता है, किस प्लांट के रस्सी? सन हेम्प, हो गया डन। और बच्चा झूला जो है ना, जो झूले का रस्सी है उसमें बच्चा उसने डाल दिया इंडिगो, नील कलर करने के लिए। घर में आप कपड़े में डालते हो नील? मम्मी से पूछना, नील तो
इसे निकाला जाता है बच्चा इंडिगोफेरा से, इंडिगोफेरा से। इंडिगोफेरा क्या है सर? ये प्लांट है डाई, डाई मतलब कलर, कलर का नाम है इंडिगो। याद करो महात्मा गांधी चंपारण मूवमेंट, वो गए थे किसान से जबरदस्ती अंग्रेज लोग इंडिगो की खेती करवा रहे थे उससे लड़ने के लिए, याद आ रहा इंडिगो, इंडिगोफेरा। चलो तो दो चीज याद हो गए। तो बच्चे बेचारे मजे से झूले पे झूल रही है बच्चा, वहां पर बैठा हुआ है कैटल्स उस लॉन में, टे गार्डन में बैठा हुआ है कौन? कैटल। कैटल अपना फूड खा रहा है बच्चा, जो कैटल फूड खाता है उसे फॉडर कहते हैं, फॉडर मतलब चारा, तुम खाते हो उसे फूड कहते हैं, कैटल जो खाते उसे फॉडर कहते हैं। सर कौन कौन? दो हैं, एक का नाम है एस सिस्बेनिया और एक का नाम है ट्राइफोलियम, सिस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम, सिस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम, डन फॉडर। और लड़की बेचारी जा करके बार बार उस कैटल को डिस्टर्ब कर रही है, लड़की बार बार कैटल को डिस्टर्ब कर दे रही है, तो कैटल भाई साहब को आ गया गुस्सा, कैटल को आ गया गुस्सा। तो गुस्से में उसने क्या किए, उस गार्डन में दो थे ऑर्नामेंटल प्लांट, सजाने वाले प्लांट, उस गार्डन में ऑर्नामेंटल प्लांट थे दो, एक का नाम था स्वीट पी और एक का नाम था ल्यूपीन। कैटल ने बच्चा गुस्से में उस दोनों प्लांट को उखाड़ा और लड़की के गले पे मारा, गुस्से में उखाड़ा और लड़की के गले पे मारा, लड़की बेचारी गिर गई झूले से और गले में आ गई स्वेलिंग, गले हो गए खराब, लड़की गिर गई अलग से, चोट भी लग गई, गला भी खराब हो गया भाई। तो गला खराब हो गया है आजकल बच्चा, मेरा भी थोड़ा गला खराब है, तो आप मम्मी से पूछना ठंड के टाइम में हम लोग गला खराब होते तो एक मेडिसिनल प्लांट यूज करते हैं। बोले सर कौन सा? मुलैठी। मम्मी से पूछना, मम्मी जरूर बताएगी, मुलैठी, नीट का क्वेश्चन आया था, मुलैठी मेडिसिनल प्लांट है गला ठीक करने के लिए। चलिए तो अब क्या करें, उसकी मम्मी बच्चा, अब जो बच्ची की मम्मी ना गई मार्केट, क्यों सर मम्मी क्यों मार्केट गई? क्योंकि बच्ची उसकी गिर गई है, चोट लग गया है, तो उसने वहां से खरीदे ढेर दो तरह के ऑयल, ऑयल मतलब बच्चा तेल, एक तेल था ग्राउंड नट का और एक था बच्चा सोयाबीन के तेल, दो तरह के तेल खरीदे, ग्राउंड नट सोयाबीन, दो तरह के तेल खरीद लिए और तेल को बच्चा मस्त फ्राई कर दिया, तेल को मस्त फ्राई किया और इस तेल में बच्चा ढेर सारे पल्सेस डाल दिए, दाल डाल दिए। सर कौन कौन से दाल? ग्राम यानी चने का ग्राम, अरहर, मूंग, मूंग, सेम, सोयाबीन, सोयाबीन का दाल भी बच्चा, सोयाबीन का हम खाते भी हैं, सोयाबीन का तेल भी होता है, दोनों यूज करना है, ऑयल में भी सोयाबीन है और पल्सेस में भी सोयाबीन है। पी मटर, बीन, जितने तरह के दाल होते हैं सभी इसी के एग्जांपल है, सभी इसी के एग्जांपल है। मस्त फ्राई किया, प्रोटीन ज्यादा होते हैं इनके ना, इन दाल में बच्चा प्रोटीन ज्यादा होता है, पूछते ना प्रोटीन में दाल का अमाउंट, ठीक है, दाल में बच्चा प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो मस्त सारे एग्जांपल याद हो गए, रिपीट कर दे रहा हूं, एनसीईआरटी से मैच करते जाना। सबसे पहले रस्सी सनहेम्प, कलर इंडिगोफेरा, फॉडर चारा सिस्बेनिया ट्राइफोलियम एसटी, ऑर्नामेंटल एसएल, स्वीट पी ल्यूपीन, गला खराब हो गया मुलैठी, मुलैठी, तेल ग्राउंड नट सोयाबीन, पल्सेस बहुत सारे हैं ग्राम अरहर मूंग सेम, तो ये देख लीजिए एनसीईआरटी में मैच कर लीजिए, डन हो जाएगा। चलो बोल रहा हूँ ध्यान से, पेड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब पता नहीं, तुम्हारी मम्मी को मालूम होगा, थोड़ा गूगल पे चेक कर लेना, शायद मिल जाएगा। चलो सबसे पहले ढूंढो, क्या सनहेम भी दिखा? फटाफट यस नो बोलो, क्या आपको सनहेम मिला फाइब्रस प्लांट? यस सर। क्या डाई मिला इंडिगोफेरा मिला? यस सर। डाई कलर, डन। अब फॉर्डर मिला दो,
एसटी सिस्बेनिया ट्राइफोलियम, सिस्बेनिया ट्राइफोलियम मिले, फॉर्डर सिस्बेनिया ट्राइफोलियम मिले, डन। अब लड़की परेशान कर रही थी, कैटल को आया गुस्सा, ऑर्नामेंटल प्लांट सजाने वाले ल्यूपिन स्वीटपी, स्वीटपी एंड ल्यूपिन एस एल एस एल, स्वीटपी और ल्यूपिन। आगे बात, अब क्या करना है, गला खराब मुलैठी, गला खराब मुलैठी, हो गई बात। अब क्या करना है, दाल फ्राई करना है, दाल सोयाबीन, दाल सोयाबीन तेल, तेल सोयाबीन और ग्राउंड नट का, डन। दाल में ढेर सारे ना, चना ग्राम, अरहर सेम, मूंग सोयाबीन, इसके अलावा बच्चा मटर, मटर मटर तो मेन एग्जांपल है इसके, पी और बीन याद करो। तो बताओ अब याद हो गए सभी को? यस सर, सारे एग्जांपल याद हो गए, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है? नो सर। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब आगे क्या करना है, आज नहीं पढ़ाना है, अब कुछ तो हो गए, डन हो गए, खत्म। अब देखो भाई, मॉर्फोलॉजी है बड़ा, मॉर्फोलॉजी है चैप्टर बड़े, तो तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और हमारे पास टाइम है कम। तो अब बच गए बच्चा रूट, रूट बच गए, स्टेम बच गया, लीफ बच गए, और बच गए बच्चा इनफ्लोरेसेंस, और बच गए सीड। सीड तो आसान है, सीड तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, वो तो 5 मिनट का है, 10 मिनट लगेंगे। तो आपको अब मेहनत करना पड़ेगा। सर क्या, कल टेस्ट के बाद आपको बच्चा मैं रूट वाला लिंक दे दूंगा, आज ही भेज दूंगा आपको, जब टाइम मिलेगा बच्चा रूट वाला कवर कर लीजिएगा। तो मैं जब रूट पढ़ाऊंगा तो आसान लगेगा ना, टाइम भी बचेगा, जल्दी भी होगा। फिर बच्चा अगले क्लास में स्टेम और लीव भेज दूंगा, तो आपको पहले से करके आओगे लिंक से ना, रिकॉर्डेड से, तो क्लासेस फास्ट भी होगा और तुम्हें जल्दी समझ में भी आएगा। पहले से अगर देखा हुआ रह गया तो आपको मिनिमम बच्चा 3 क्लास लगेगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अगले वीक में एनाटॉमी स्टार्ट करना है और हम है मॉर्फोलॉजी में भी। तो आप अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो रूट वाला पार्ट, स्टेम और लीफ, आपको क्या करना है, रोजाना एक लेक्चर देखना है भाई, एक लेक्चर। तो आप क्या कर लोगे, मेरा तो अल्टरनेट क्लास होता है ना आपके साथ, तो एक दिन में एक लेक्चर करोगे तो एक दिन में रूट कर लिया, स्टेम कर लिया, लीफ कर लिया, तो क्या बच्चा 3 दिन में कवर तो हो जाएगा। तो अगले वीक में आपका मॉर्फोलॉजी डन, और नीट के 4 से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। हम करेंगे 2 क्लास तो मिनिमम लूंगा, रूट का लूंगा, लीफ का लूंगा, स्टेम का तो लूंगा, लेकिन आप पहले से कर रहोगे ना आसान रहेगा, कर लोगे। अब बोलो, अब टाइम नहीं मिल पाता तो मैं कैसे कराऊंगा बताओ, मुझे तो अगले क्लास में एनाटॉमी स्टार्ट करना है, और एनाटॉमी स्टार्ट करना है तब तो ये कैसे होगा, ये तो फिर छूटा रह जाएगा, फिर फास्ट पढ़ाऊंगा, फास्ट कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, अगर मैं फास्ट कराऊंगा तो समझने में दिक्कत होगी, मैं एक दिन में रूट स्टेम लीफ कैसे करा दूंगा, बोलो। तो कोशिश कीजिएगा, चलो ठीक है, तो मैं लिंक भेज दूंगा, टाइम मिलेगा आप लोग करते जाइएगा, ठीक है? ओके सर, चलो ठीक। सर वैसे आपने इतनी अच्छी ट्रिक्स कैसे बनाई? अरे हो जाते, बहुत दिनों से पढ़ाते पढ़ाते एक ही चीज कहानी सुनाते सुनाते हो जाते ना, तो हो जाते, तुम्हें भी याद हो जाएगा, तुम्हें अभी याद हो गया ना, अब तुम अपने फ्रेंड को सुना दोगे ना, एक बार वापस से देख करके अपने फ्रेंड को सुना देना, उनको भी याद हो जाएगा। चलिए ठीक है फिर। सर एक बार जू प्लैंकटन का मतलब बता दो। जू मतलब एनिमल, प्लैंकटन मतलब पानी में तैरने वाले, पानी में जो तैरता है, अगर प्लांट है तो फाइटोप्लैंकटन, अगर एनिमल है यानी अमीबा पैरामीशियम, पानी में तैरते रहते हैं हाँ, तो पानी के सरफेस पे तैरने वाले एनिमल्स वाले जू प्लैंकटन, प्लांट वाले फाइटोप्लैंकटन, एल्गी वेल्गी फाइटोप्लैंकटन, अमीबा पैरामीशियम वाले जूप्लैंकटन, हो गए? ओके थैंक यू सर, ओके बाय बाय।